हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने के लिए। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि ICMR JRF का फॉर्म आ चुका है। जी हाँ, ICMR ने DHR ICMR नॉन मेडिकल फेलोशिप्स जो कि PhD के लिए है, बायोमेडिकल रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से अब की बार ये एग्जामिनेशन होने वाला है, BRET नाम से, बायोमेडिकल रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024, इसके बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ। देखिए, एक तो इसके नोटिफिकेशन के बारे में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस हैं। पिछले साल के जो ICMR JRF का जो पेपर होता था उसमें अब की बार से काफ़ी बदलाव आया है, तो कौन कौन सी चीज़ों में चेंज आया है आज हम उसके बारे में बात करेंगे। और एक सबसे ज़रूरी जो बात है कि आपको किस तरीके से ICMR JRF की प्रिपरेशन करनी चाहिए ताकि आप सबसे बेहतरीन रिजल्ट लेकर के आ सकें, उसके लिए मैं एक स्ट्रैटेजी भी लेकर के आया हूँ। तो वो स्ट्रैटेजी क्या है, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना चाहिए, अभी भी आपको आपके पास एक महीने से ऊपर का समय है, किस तरीके से आपको उस समय का इस्तेमाल करना चाहिए, इस जो नोटिफिकेशन को बताने का एक मेन मकसद ये है कि यहाँ पे आपको सिलेबस क्लियर हो जाए, पार्ट बी पार्ट सी को कैसे डील करना है वो क्लियर हो जाए, और जो मैंने लास्ट में आपको बताया था कि हम किस तरीके से एक स्ट्रैटेजी बनाने वाले हैं कि किस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा। मैं खुद भी एक ICMR फेलो रह चुका हूं, तो मुझे आइडिया है कि पेपर में किस तरीके से क्या पूछा जाता है, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है, तो लास्ट तक वीडियो के साथ ज़रूर बने रहिएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि DHR ICMR नॉन मेडिकल फेलोशिप और PhD अनाउंस हो चुकी है। अब यहाँ पे बहुत सारी डिटेल दी हुई है, लेकिन आपके मतलब की क्या चीज़ें हैं उनको हम लोग देखते हुए चलते हैं। सबसे पहले तो देख लीजिए कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वगैरह कितनी तारीख से शुरू हो रहा है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है 19/6/2024 से, यानी कि 19 जून से शुरू हो चुका है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये 9/7/2024 तक ये रहेगा, दैट मीन्स ये 9 तारीख तक आपका ये जो नोटिफिकेशन है ये रहेगा। 19/6 हो गया और 9/7 तक रहेगा अप टू 11:50 PM। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको जो इसकी एग्जामिनेशन फ़ीस देनी है वो भी 9/7/2024 तक आप एग्जामिनेशन फ़ीस दे सकते हैं, 11:50 रात तक। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं फ़ीस इज पेबल, आप कितनी कितनी फ़ीस है उसको भी देख लीजिए। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। अब की बार ICMR की जो फ़ीस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब की बार अगर हम जनरल EWS कैटेगरी के स्टूडेंट्स की बात करें तो 1800 रुपये पे करने हैं। इसके अलावा OBC NCL SC ST के कैंडिडेट्स को 1500 रुपये पे करने हैं और PWD थर्ड जेंडर के स्टूडेंट्स को 1200 रुपये पे करने हैं। तो यहाँ पे एक आपको परिवर्तन देखने को मिल रहा है, फ़ीस बढ़ाई जा चुकी है। नेक्स्ट आ जाइए, एक और बड़ा बदलाव जो यहाँ पे आप देखेंगे कि अब की बार का जो एग्ज़ामिनेशन है वो NTA कंडक्ट करवा रहा है। आपने देख ही लिया कि NTA की क्या हालत है, लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं है कि क्यों NTA के ऊपर ये भी एग्ज़ामिनेशन दे दिया गया है कराने के लिए। इससे पहले ICMR का एग्ज़ामिनेशन ICMR खुद करवाता था और वो काफ़ी फेयर हुआ करता था। इस बार का पता नहीं कि ICMR का एग्ज़ामिनेशन क्या होगा। चलिए देखते हैं कि करेक्शन, अगर आपसे कोई गलती हो जाती है फॉर्म भरने में तो भी आपको टाइम दिया जा रहा है, 10/7/2024 टू 11/7/2024 आपको टाइम दिया जा रहा है कि आप उसमें कोई भी गलती को सही कर सकें। बट आप इन्फॉर्मेशन ब्रोचर को ठीक से पढ़िएगा तो गलती होने की संभावना कम से कम हो जाएगी। अब यहाँ पे बात करते हैं, जो एग्ज़ामिनेशन होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, पूरी तरीके से CBT पेपर होगा। इसके अलावा 120 मिनट का पूरा पेपर होगा, यानी कि 2 घंटे का पेपर होगा, और डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन जो है वो 31/7/2024 है, यानी कि अभी इस समय चल रहा है 21/6/2024। आपके पास एक महीने से कुछ ऊपर का समय है, एक महीने से अधिक का समय है आपके पास, तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा टाइम है। इसमें आप आराम से रिवाइज़ कर सकते हैं और जिन जिन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है उनके बारे में भी मैं इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। इसके अलावा टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन क्या है अभी बाद में बताई जाएगी, सेंटर डेट शिफ्ट वगैरह सब बाद में बताया जाएगा। रिस्पॉन्स शीट वगैरह कब आएगी ये भी अभी अनाउंस नहीं हो सकता, बाद में आएगा। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स वगैरह भी सारी चीज़ें बाद में बताई जाएंगी। और ये वेबसाइट क्या है, www.nta.ac.in, यहाँ पे वेबसाइट दी हुई है, और ये exams.nta.ac.in जहाँ पे रिजल्ट आता है उसकी भी वेबसाइट यहाँ पे दी हुई है। नेक्स्ट आ जाइए आप नए पेज के ऊपर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैंडिडेट्स को सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई करना है, यानी कि NTA की वेबसाइट के ऊपर जा करके डायरेक्टली आपको ऑनलाइन मोड में यहाँ पे अप्लाई करना है। दूसरी चीज़ की अगर हम बात करें तो जैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से किस पे भेजना है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है exams.nta.ac.in, ये वेबसाइट है NTA की, यहाँ पे जा करके आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म
फिल करके जमा कर देना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सिर्फ और सिर्फ एक ही एप्लीकेशन फॉर्म एक कैंडिडेट को भरने की इजाज़त है। अगर एक से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके अलावा सबसे पहले आपको अपना ईमेल आईडी, मोबाइल फ़ोन नंबर जो है वो सही आपके एप्लीकेशन फॉर्म में डालना होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में डालना होगा, तब जा करके आप रजिस्टर होंगे और रजिस्टर होने के बाद जा करके आपको अपना ऑनलाइन फॉर्म भरना है। आपने कई सारे फॉर्म भरे ही होंगे, उसी तरीके का ये भी फॉर्म है। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, सेम टू सेम इंस्ट्रक्शन है। पहले रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरिए, उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर जाइए और फिल करिए। यहाँ पे मेंशन है कि किस तरीके से आपके फोटोग्राफ होनी चाहिए, कैसा सिग्नेचर होना चाहिए, किस तरीके से आपको फ़ीस पे करनी है, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वगैरह के थ्रू आप यहाँ पे फ़ीस पे कर सकते हैं। तो ये कहानी हो गई आपकी फ़ीस पे करने की और फॉर्म वगैरह कैसे भर सकते हैं उसके बारे में डिटेल्स हो गया। अब बात कर लीजिए कि ओवरव्यू ऑफ द प्रोग्राम। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 31/7/2024 को आपका एग्जामिनेशन है, और ये एग्जामिनेशन करवाने का पर्पस क्या है, ताकि जो बच्चे पीएचडी में सेलेक्ट हुए हैं, याद रखिएगा मैंने क्या कहा, जैसे कि सीएसआईआर में आपका एग्ज़ाम हो जाता है और उसके बाद आप अपना कॉलेज वगैरह चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर आप अगर किसी कॉलेज वगैरह में हैं, आप पीएचडी कर रहे हैं और आपने यहाँ पे एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया, तो आपको यहाँ पे फेलोशिप मिलने लग जाएगी। तो यहाँ पे देखिए क्लियरली लिखा हुआ है, द अवार्ड ऑफ फेलोशिप टू द सक्सेसफुल क्वालिफाइड एंड एलिजिबल कैंडिडेट्स विल डिपेंड ऑन देयर फाइंडिंग प्लेसमेंट इन अ मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल या यूनिवर्सिटी या नेशनल लेबोरेटरी इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ICMR इंस्टीट्यूट, सेंटर, एज पर द टू कैटेगरीज गिवन बिलो। तो ये फेलोशिप आपको तभी मिलेगी जब आपने अपना एक नेशनल इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी या जहाँ पर भी आप पीएचडी करना चाहते हैं वो ढूंढ लिया, वहाँ पे आपका एडमिशन हो गया, तभी जा करके आप ये फेलोशिप उठा सकते हैं। सेम वैसा ही है जिस तरीके से आपका सीएसआईआर का होता है, सेम वैसे ही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। अब देखिए किस तरीके से, टू परस्यू डॉक्टरल डिग्री फ्रॉम UGC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इन इंडिया, तो पहली कैटेगरी ये हो गई। दूसरी ये हो गई, टू परस्यू डॉक्टरल डिग्री फ्रॉम 27 ICMR इंस्टीट्यूट्स, तो ICMR इंस्टीट्यूट में भी जा सकते हैं। और दूसरा हो गया आपका जो UGC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं, आप उसमें भी जाकर के अपना पढ़ाई कर सकते हैं, उसमें भी जाकर के अपनी PhD कर सकते हैं, तो दोनों में कर सकते हैं। कुल मिलाकर के 500 फेलोशिप्स दी जाएंगी। आपका जो एरिया ऑफ रिसर्च होना चाहिए वो बायोमेडिकल साइंस या हेल्थ रिसर्च होना चाहिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, द मेरिट लिस्ट कंप्राइजिंग द कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग द टेस्ट विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन द टेस्ट। तो टेस्ट में जिस तरीके का आपका परफॉर्मेंस है उसी के बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट बना दी जाएगी, और ये नॉर्मल चीज़ें दी हुई हैं। इसके अलावा हम नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसके ऊपर जाते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके पास MSc और इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, तो याद रखिए जो BTech वाले स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। MSc या इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांगा हुआ है तो MTech अप्लाई कर सकता है, MPharm अप्लाई कर सकता है, लाइफ साइंस, जूलॉजी, बॉटनी, बायोमेड, माइक्रोबायो, बायोकेम, जेनेटिक्स, बायोटेक, बायोफिजिक्स, बायो इन्फो, फॉरेंसिक साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, फूड न्यूट्रिशन, मॉलिकुलर बायोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस, इकोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, न्यूरो साइंस, वेटनरी साइंस, नर्सिंग, बायोस्टैट्स, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल साइंस, पब्लिक हेल्थ, सोशल वर्क विद मिनिमम 55% ऑफ मार्क्स। तो यहाँ पे एक बात और क्लियरिटी के साथ समझ लीजिए कि 55% मार्क्स आपके होने चाहिए अगर आप जनरल EWS या OBC कैंडिडेट की कैटेगरी में आते हैं। अदरवाइज अगर आप SC ST या PWD कैंडिडेट हैं तो 50% मार्क्स आपको यहाँ पे चाहिए होंगे। तो ये हो गया। नेक्स्ट, अ कैंडिडेट हु इज़ अपियरिंग और हैज़ अपियर्ड, तो यहाँ पे अपियरिंग स्टूडेंट्स के लिए भी गुंजाइश है। आप RA यानी कि रिजल्ट अपडेटेड कैटेगरी के अंदर में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लास्ट में एक फॉर्म दिया हुआ है एटेस्टेशन फॉर्मेट, उसको फिल करके जो भी बच्चे रिजल्ट अपडेटेड कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं वो इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लास्ट में अटेस्टेशन फॉर्म वगैरह दिया हुआ है तो उसको फिल करके। एज लिमिट में यहाँ पे बदलाव है, पहले 28 साल एज लिमिट थी, अब बढ़ा दी गई है, 30 साल की एज लिमिट हो गई है यहाँ पे। और इसके अलावा एज रिलैक्सेशन जो है वो तो अवेलेबल रहता ही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के हिसाब से, यानी कि 5 साल का जो रिलैक्सेशन पीरियड होता है SC ST PWBD एंड फीमेल कैंडिडेट्स को, और 3 साल का OBC कैटेगरी में जो रिलैक्सेशन होता है वो रहता ही रहता है। अब आ जाइए थोड़ा सा एग्जामिनेशन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिला है, क्या है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ये तो बात समझ में आई, लेकिन स्कीम ऑफ टेस्ट को पूरा उठापटक कर दिया गया है। क्या किया गया है, अब की बार टेस्ट जो है वो एक ही पेपर होगा, पहले भी एक ही पेपर होता था और वो पेपर 2 घंटे का होगा।
इस 2 घंटे के पेपर में पूरे पेपर को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी में, ठीक है। अब इन तीनों सेक्शन में हर एक मार्क्स जो होगा वो 1 नंबर का होगा, 1 मार्क्स पर क्वेश्चन, और इसके अलावा अगर आपने क्वेश्चन गलत कर दिया तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। लेकिन ये यहाँ तक तो बात सही थी, लेकिन अब जो क्वेश्चन पेपर को डिवाइड किया गया है सेक्शन ए, सेक्शन बी या सेक्शन सी में, आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से धीमे धीमे करके CSIR की ट्रेंड पे लेके आने की कोशिश की जा रही है। तो जब से सबसे सेक्शन ए की बात करते हैं तो 50 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे, जिसमें कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग एबिलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी, क्वांट्स, क्वांटिटेटिव कंपैरिजन के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। ये पहले 50 क्वेश्चन हो गए यानी कि सेक्शन ए में। तो जिस तरीके से CSIR में क्वेश्चंस आते हैं सेम वैसे ही कॉन्सेप्ट देखिए सेक्शन ए में यहाँ पे लेकर आ रहे हैं। अब बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी में भी 50 क्वेश्चन है, लेकिन ये क्रॉस डिसिप्लिनरी एरियाज यानी कि बहुत सारे अलग अलग एरियाज जो लाइफ साइंस के होते हैं वहाँ से पूछे जाएंगे। तो मॉलिकुलर बेसिस ऑफ चेंजेस अकरिंग इन लिविंग सेल, सेल स्ट्रक्चर, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, जेनेटिक इनहेरिटेंस, ओरिजिन ऑफ लाइफ, बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस टेक्निक्स वगैरह, बायो सेफ्टी, बायो एथिक्स, नेचुरल एंड एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स, कॉमन बैक्टीरियल, वायरल, फंगल एंड पैरासिटिक इन्फेक्शन, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो पार्ट बी के पोर्शन में हैं, ठीक। मैं आपको इसमें लास्ट में ये भी बताऊंगा कि पार्ट सी में आपको कौन सा टॉपिक चूज़ करना चाहिए जिससे आपको मिनिमम मेहनत में सबसे ज़्यादा यील्डिंग मिल सके। अब बात करते हैं सेक्शन सी के ऊपर जाते हैं। सेक्शन सी में भी 50 क्वेश्चन हैं, बट ये 11 अलग अलग एरियाज से यहाँ पे दिए गए हैं। इन 11 में से आपको कोई भी एक एरिया चूज़ करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वुड कंप्राइज ऑफ 50 क्वेश्चंस रेलिवेंट टू अप्लाइड एनालिटिकल पार्ट ऑफ द बायोलॉजिकल प्रोसेस फ्रॉम द 11 स्पेसिफिक डिसिप्लिन्स एज लिस्टेड बिलो। कैंडिडेट विल हैव टू ऑप्ट ओनली फॉर 1 सब्जेक्ट। तो इन 11 में से आपको सिर्फ और सिर्फ 1 सब्जेक्ट चूज़ करना है और उसी के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस आंसर करने होंगे। तो अब इनमें से कौन सा चूज़ करना सबसे अच्छा रहेगा उसके बारे में भी मैं अभी आगे बताने वाला हूँ। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बेस पे होगा, और यहाँ पे देखिए ये जो लास्ट में 11 दिए हुए थे उनके कोड दिए हुए हैं, आप चाहें तो जिसमें भी कोड जो भी चाहें कोड भर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि तो यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शंस ऑफ फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म दिए हुए हैं, जैसे कि बाकी एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं उसी तरीके का यहाँ पर भी है। तो इसमें कुछ नया नहीं है, कुछ नया बताने जैसा नहीं है। तो मेन चीज़ जो अभी मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे वो क्या है, यहाँ पे देखिए ये डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज वगैरह जो है क्वेश्चन पेपर के साथ NTA जब रिजल्ट निकालेगा तो वहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये फॉर्म भरने का पूरा तरीका दिखाया हुआ है कि जब आप फॉर्म भरना शुरू करेंगे तो किस जब आप एग्ज़ाम देना शुरू करेंगे तो किस तरीके का यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे, किस तरीके से क्वेश्चन दिखेंगे, किस तरीके का आपका ऑप्शन दिखेगा, वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं। तो जनरली जैसे सभी फॉर्म्स में होता है उस तरीके का है। अगर हम यहाँ पे देखें तो एग्जामिनेशन सेंटर्स कहाँ कहाँ पे होंगे, तो यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर की डिटेल दी गई है, ये अपेंडिक्स 1 में दिया गया है, आप चेकआउट कर सकते हैं कि आपके एरिया में कहाँ पे ये एग्जामिनेशन मेनली होने वाला है। तो इसके बाद सारे जैसे जिस तरीके से आपको फॉर्म भरना है उसकी सारी डिटेल्स दी गई हैं। अब फॉर्म कैसे भरना ये आपको पता ही रहता है। यहाँ पे देखिए ये अटेस्टेशन दिया हुआ है बाय द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी फ्रॉम वेयर द कैंडिडेट हैज़ अपियर्ड और विल बी अपियरिंग। तो ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जो कि रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी में अप्लाई करने की सोच रहे हैं। तो ये आपको फॉर्म भर करके देना पड़ेगा, यहाँ पे हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी का साइन सील वगैरह लगेगा। नेक्स्ट आ जाइए, अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे ये। तो देखिए सो सिलेबस ऑफ सब्जेक्ट्स फॉर पार्ट सी। अब देखिए पार्ट जो बी है उसका सिलेबस वगैरह कुछ ऐसा खास मेंशन नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें कि पार्ट सी जो है वो बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री के सिलेबस में मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरैक्शंस, केमिकल्स, बॉन्ड्स वगैरह, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन जैसे बायोकेमिस्ट्री में होता है, इसके अलावा कैटालिसिस या एंजाइम काइनेटिक्स वगैरह है, उसके बाद आपका टेक्निक्स का पोर्शन है, सेल बायोलॉजी का पोर्शन है। अब आप ताजुब मार रहे होंगे कि बायोकेमिस्ट्री के अंदर सेल बायोलॉजी क्या कर रहा है। तो देखिए कहने को ये बायोकेमिस्ट्री का पोर्शन है, बट यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। इम्यूनोलॉजी का भी पोर्शन है, टेक्निक्स का भी पोर्शन है, सेल बायोलॉजी, सेल सिग्नलिंग वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे डाली गई हैं। तो देखिए यहाँ पे सेल बायोलॉजी एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी दिया हुआ है। नीचे आइए आप मॉलिकुलर बायोलॉजी की टेक्निक्स के बारे में दिया हुआ है, PCR, क्लोनिंग, जीन एक्सप्रेशन, ये सारी चीज़ें दी गई हैं।
यहाँ पे और नीचे आइए तो आपको और दिखाई देगा डीएनए आरएनए आइसोलेशन, मतलब पूरी की पूरी टेक्निक का पोर्शन यहाँ पे उठा करके रख दिया गया है। यही नहीं, एंजाइम एंड मेटाबॉलिज्म वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है, आपकी जितनी साइकिल्स हैं फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं वो सारी दिए हुए हैं, ग्लाइकोलाइसिस टीसीए साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये सारी बातें यहाँ पे हैं। इसके अलावा इम्यूनोलॉजी जैसे मैंने आपको बोला था वहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे, आरडीटी के बारे में यहाँ पे है, प्रोटियोमिक्स एंड सिस्टम बायोलॉजी यानी कि कैंसर बायोलॉजी के बारे में यहाँ पे बताया गया है, इलेक्ट्रोफोरेसिस जैसे मैंने कि आपको बताया था, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। तो क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री हो गया, बायोकेमिकल कोरिलेशन ऑफ डिजीजेज हो गया, ये पूरा पोर्शन है, ठीक है। इसके बाद ये सेकेंड नंबर पे बायोलॉजिकल साइंस शुरू हो जाता है, जैसा कि मैंने आपसे बताया भी था कि बायोलॉजिकल साइंस है, ये बायोलॉजिकल साइंस का पूरा एरिया है, ह्यूमन बायोलॉजी वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे, फिजियोलॉजी वगैरह पूछी जाएगी, बॉटनी वगैरह सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। खैर इसके बाद अगर हम देखें तो ये देखिए बॉटनी वगैरह सारी चीज़ें इसमें आ रही हैं, आप चेक कर सकते हैं, बायोस्टैट्स वगैरह का भी पोर्शन आ रहा है। अब ये देखिए बायोटेक्नोलॉजी का पूरा पोर्शन है, ठीक है। तो अब मैं आपको बता सकता हूँ कि जैसे कि अगर आप किसी भी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करने जा रहे हैं तो मुझे कम से कम ऐसा लगता है कि जहाँ पे जो जितना मैंने भी जितना पूरा पढ़ा है यहाँ पे जितना भी सिलेबस मैंने इसको देखा तो इस सिलेबस में मुझे ये पता चल रहा है कि बायोकेमिस्ट्री का पोर्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट है बाकी किसी भी लाइफ साइंस के एग्जामिनेशन, चाहे आप गेट के लिए देख लीजिए, चाहे आप CSIR नेट के लिए अगर तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए देख लीजिए, चाहे DBT के लिए देख लीजिए, तो बायोकेमिस्ट्री में काफ़ी कुछ सिलेबस जो है वो आपका मैच कर रहा है। कहने को वो बायोकेमिस्ट्री है बट वहाँ पे इम्यूनोलॉजी आपका जो RDT वगैरह सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं। बाकी आपकी इच्छा है, अगर मेरे से आप पूछेंगे तो मुझे कम से कम लगता है कि अगर आप बायोकेमिस्ट्री का इसमें पोर्शन लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो सकता है, काफ़ी अच्छा हो सकता है। अब देखिए मैं एक चीज़ और आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पे आपका सेक्शन बी का जितना पोर्शन था वो यहाँ पे कॉपी कर दिया। तो हम बेसिकली शिफ्ट कर रहे हैं कि हम क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं, किस तरीके से हम बढ़िया से रिजल्ट लेकर के आ सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ये सेक्शन बी लिखा हुआ है, तो सेक्शन बी का जितना भी पोर्शन है उसके बारे में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ चेंजेस अकरिंग इन लिविंग सेल ये है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इंक्लूडिंग सेल कम्युनिकेशन सिग्नलिंग ग्रोथ रिप्रोडक्शन एंड डिफरेंशिएशन ये भी है। तो इसके अलावा आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ये है, जेनेटिक इनहेरिटेंस एंड जीनोमिक्स ओरिजिन ऑफ लाइफ इवोल्यूशन बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस बायोसेफ्टी बायोएथिक्स नेचुरल एंड एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स एंड कॉमन बैक्टीरियल वायरल फंगल एंड पैरासिटिक इन्फेक्शन, ये चीज़ें जो हैं वो पार्ट बी में। अगर आप इसी चीज़ को अगर पार्ट जो बायोकेमिस्ट्री का पोर्शन है जो पार्ट सी वाला है उससे मिलाएं तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं मोर और लेस पार्ट सी में पूछी जा रही है बायोकेमिस्ट्री के सिलेबस में, कहीं कहीं और भी हैं लेकिन बायोकेमिस्ट्री के सिलेबस में ये आपको पूरा का पूरा मिल जा रहा है। अगर आप यहाँ पे देखें तो मॉलिकुलर बेसिस वगैरह के बारे में मैंने आपको बताया ही था, तो ये देखिए बायोकेमिस्ट्री में ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, सेल बायोलॉजी वगैरह सब चीज़ें आ जाएंगी। तो आप क्या कर सकते हैं कि जब आप पढ़ रहे हो पार्ट सी के लिए पढ़ रहे हो तो आपको पार्ट बी के लिए भी साथ साथ में आपकी तैयारी हो सकती है। तो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ, मैंने ऑलरेडी बायोकेमिस्ट्री में मार्किंग कर ली है कि कौन कौन से एरिया से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं ICMR में और किसी भी एग्जामिनेशन में कोर एरिया से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूँ, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री है यहाँ पे दिया हुआ है, तो अगर हम बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो बायोकेमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन जो है वो अधिकतर पूछा जाता है, केमिकल बॉन्डिंग हो गया। इसके अलावा यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स का पोर्शन हो गया, प्रोटीन्स का पोर्शन हो गया, न्यूक्लिक एसिड्स का पोर्शन हो गया। न्यूक्लिक एसिड्स में डीएनए वगैरह के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, डीएनए हो गया आरएनए हो गया, इन चीज़ों के ऊपर क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आइए हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे बायो एनर्जेटिक्स में ग्लाइकोलाइसिस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कपल्ड रिएक्शन ये यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, तो आपको इनको देखना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जैसे एंजाइम काइनेटिक्स वगैरह के बारे में मैंने बात किया था, एंजाइम तो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है ही, वहाँ से तो निश्चित क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल भी आता है बट ICMR में हम उतना न्यूमेरिकल एक्सपेक्ट नहीं करते, बट एंजाइम काइनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। इसके अलावा रामचंद्रन प्लॉट सेकेंडरी स्ट्रक्चर डोमेन्स मोटिव्स फोल्ड्स के ऊपर से क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो न्यूक्लिक एसिड्स हेलिक्स यानी कि ABZ टाइप का जो है ट्रांसफर RNA है इनके ऊपर क्वेश्चन ज़रूर आते हैं।
फिर अगर मैं टेक्निक्स के बारे में स्पेसिफिकली बात करूं तो आपका जो बायोकेमिस्ट्री की जो टेक्निक्स हैं जैसे कि क्रोमेटोग्राफी हो गया, इलेक्ट्रोफोरोसिस, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, वो भी इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रिपीट है अलग अलग पोर्शन में, कहने को बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस काफ़ी बड़ा दिख रहा है बट काफ़ी सारी चीज़ें इधर उधर करके रिपीट करके लिखी गई हैं। अब यहाँ पे देखिए, आपने देखा टेक्निक्स लिखी गई हैं, टेक्निक्स नीचे भी आपको यहाँ पे नज़र आएंगी, ठीक है। अब देखते हैं इसको, नेक्स्ट लिखते हैं कि आप देख सकते हैं सेल साइकिल। अब यहाँ पे अगर हम देखें सेल बायोलॉजी एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी में, तो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सेल सिग्नलिंग, कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि सेल सिग्नलिंग वगैरह से भी यहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो सेल सिग्नलिंग, सेल कम्युनिकेशन और खास तौर पे अगर सेल बायोलॉजी देख रहे हैं तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से क्वेश्चन पक्का आता है। सीलिया, फ्लैजिला, माइक्रोट्यूब्यूल्स और उसके स्ट्रक्चरल डायनेमिक्स, किस तरीके से माइक्रोट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर बढ़ता है घटता है उसके बारे में। इसके अलावा साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स, साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं उनके बारे में, किस तरीके से ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन काम करता है, यानी कि यूनिपोर्ट क्या होता है, सिमपोर्ट क्या होता है, एंटीपोर्ट क्या होता है, ये सब जरूर पूछा जाता है। इसके अलावा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर और फंक्शन, फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन के ऊपर काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आईसीएमआर में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रोटीन सॉर्टिंग एंड टारगेटिंग के ऊपर क्वेश्चन आते हैं कि दो पाथवेज कौन से हैं, किसकी मदद से टारगेटिंग की जाती है। यहाँ पे ग्लाइकोसाइलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्की बात, वहाँ से क्वेश्चन आता है। एंडोक्राइन, पैराक्राइन, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग के ऊपर क्वेश्चन देखा जाता है। इसके अलावा जी पी सी आर्स तो हर एग्जाम में बहुत कॉमन है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स, उसके टाइप्स, उसके एग्जाम्पल्स, जैक स्टैट पाथवे, इसके अलावा अपोप्टोसिस के जितने पाथवेज हैं वो आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे देखिए टेक्निक्स फिर से आ गई, हालांकि ये मॉलिकुलर बायोलॉजी टेक्निक्स हैं बट आप देखिए यहाँ पे भी अगेन क्रोमेटोग्राफी फिर से दिया हुआ है, देख पा रहे होंगे आप। अब दैट मींस यहाँ पे बहुत सारे रिपीटेशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो जैक स्टैट हो गया, ये तो मैंने बता दिया था। पीसीआर, क्लोनिंग, जीन एक्सप्रेशन, ये पढ़िएगा। एसडीएस पेज, पॉलीक्रिलामाइड, क्रोमेटोग्राफी के ऊपर खास ध्यान देना है, क्रोमेटोग्राफी जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो आप देख सकते हैं डीएनए आरएनए का आइसोलेशन, ठीक है यहाँ पे। इसके अलावा बाकी बहुत सारी और भी टेक्निक्स दी हुई हैं, जितना भी आपको टाइम मिल रहा है। देखिए अगेन यहाँ पे देखिए फिर से क्रोमेटोग्राफी दिया हुआ है, देख रहे हैं। तो एक ही चीज़ को कई बार रिपीट किया गया इसलिए इतना लंबा चौड़ा ज़्यादा दिख रहा है। अगेन देखिए मैंने पीछे ही बताया था ग्लाइकोलाइसिस, टीसीए, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जरूर पढ़ करके जाना है। इम्यूनोलॉजी में देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है आप देख सकते हैं, मॉलिकुलर जेनेटिक्स एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग, डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन पक्के तौर पर आएगा, ठीक है। इसके अलावा बायो इन्फॉर्मेटिक्स में बस इंट्रोडक्शन देखिएगा, बहुत ज़्यादा उसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं हैं। यहाँ से प्रोटियोमिक्स एंड सिस्टम बायोलॉजी में कैंसर बायोलॉजी मेन है, उसके ऊपर जरा जरूर से ध्यान दीजिएगा। अगेन यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोफोरेसिस आ गया, फिर से क्रोमेटोग्राफी वगैरह पूछा जा रहा है, दिख रहा है यहाँ पे। तो अगेन बार बार रिपीटिशन है, तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा करके इसका सिलेबस का प्रिंटआउट निकाल लीजिए और उसके बाद इसको देखेंगे तो आपके लिए काफ़ी कंपेरेटिवली ये आसान हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। फिर उसके बाद देखिए क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में अगर आपको उतना ज़्यादा नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बायोकेमिकल कोरिलेशन ऑफ डिजीजेस, यानी कि डिजीज़ कौन सी किस तरीके की होती है, किस उसका बेसिस क्या है, ये ज़रूर पूछा जाता है। और क्योंकि आईसीएमआर मेडिकल का एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे डेफिनेटली आपको डिजीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेंगे। तो जितनी भी डिजीजेज यहाँ पे मेंशनड हैं उनके बारे में बेसिक आइडिया आपके पास ज़रूर से होना चाहिए, ये बात पक्के तौर पर याद रखिएगा। अब इसके बाद बायोलॉजिकल साइंस शुरू हो जा रहा है, तो आप चाहें तो बायोलॉजिकल साइंस का सिलेबस देख सकते हैं, यहाँ पे डेव बायो वगैरह भी है। तो जो लोग बीटेक वगैरह के हैं, एमटेक वगैरह के हैं, तो उनके लिए शायद ये दिक्कत होगा, तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप बायोकेमिस्ट्री वगैरह चूज़ कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस आप देख सकते हैं इसको। मेरे हिसाब से बायोकेमिस्ट्री एक बेहतर ऑप्शन आपके लिए साबित होगा। अब वापस मैं आता हूं, जो मैंने आपसे कहा था कि आप स्ट्रैटेजी किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 30/7/2024 को एग्जामिनेशन है, आज 21/6 है, तो हमारे पास एक महीने से कुछ ज़्यादा का समय है। मैंने आपको दिखाया भी कि आप देख सकते हैं कि लगभग सारे की सारी चीज़ें जो हैं सेक्शन बी की वो यहाँ पे मैच कर रही हैं, ठीक है। अब दैट मीन्स आपको सेक्शन बी के लिए कुछ अलग से नहीं पढ़ना है। अगर हम टेक्निक पढ़ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमारा काम हो ही जाएगा। अगर हम फिजियोलॉजिकल प्रोसेस वहाँ पढ़ रहे हैं तो हमारा काम यहाँ पे हो ही जाएगा। सेल बायोलॉजी वहाँ पढ़ रहे हैं तो यहाँ काम हो ही जाएगा। बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो मॉलिकुलर बेसिस हो ही जाएगा। कुछ एक चीज़ें बायोएथिक्स वगैरह हैं, हो सकता है कि आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़े, बाकी कुछ भी नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं स्ट्रैटेजी के ऊपर। तो अगर आपने देखें आपकी पूरा जो पार्ट सी है उसको आप छोटे छोटे पोर्शंस में आप डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ बायोकेमिस्ट्री के पोर्शन को अगर हम 5 डेज का टाइम दें, ठीक इसी तरीके से सेल एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी को 5 डेज का टाइम दे, आराम से हो जाएगा। अगर आपका बायोकेमिस्ट्री आपने थोड़ी बार ये कभी पढ़ा हुआ है तो 5 दिन के अंदर जो बायोकेमिस्ट्री का जो छोटा टॉपिक दिया हुआ था वो आराम से ख़त्म हो सकता है।
इसके अलावा अगर कहूँ तो सेल एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी का पोर्शन को आप 5 दिन दे दीजिए। जो प्रोसेसेस हैं अलग अलग, यानी कि जो आपके जो फंडामेंटल प्रोसेसेस वगैरह का पोर्शन है उसको आप 5 डेज का समय आप दे सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ एंजाइमोलॉजी को, 3 दिन का समय कम से कम दीजिएगा। इसके अलावा बायो इन्फॉर्मेटिक्स 1 या 2 दिन बहुत है बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए। नेक्स्ट अगर बात करता हूँ इम्यूनोलॉजी को 5 दिन का समय दीजिएगा, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा पोर्शन है, उसी के अंदर बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। तो इम्यूनोलॉजी को 5 दिन का समय, टेक्निक्स को 5 दिन का समय दीजिएगा और डिजीजेज़ को कम से कम 4 दिन का समय दीजिएगा। तो इस तरीके से करके आप छोटे छोटे पार्ट में अगर आप इसको पूरा डिवाइड कर लेंगे तो अगर हम देखें तो यहाँ पे 5, 5, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और यहाँ पे आ गया 32 दिन, 32 डेज के अंदर आप पूरा का पूरा पोर्शन रिवाइज करेंगे। लेकिन अब अपने आप को टाइम बाउंड सिचुएशन में बांधिएगा, तभी ये जल्दी से जल्दी पूरा हो सकता है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान देना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा पार्ट डी, किस तरीके से पार्ट जो बी है और पार्ट सी किस तरीके से आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं और कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड कर सकते हैं, उसके बारे में मैंने बताया। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।